गॉडफादर नामक हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारकर पुलिस ने बरडी थाने में आरोपी पार्लर संचालक और प्रबंधक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। गिरिपेट में आरटीओ कार्यालय के सामने जगत मिलेनियम अपार्टमेंट में द गॉडफादर कैफे है। क्राइम ब्रांच की यूनिट क्रमांक 2 की टीम ने कैफे में हुक्का पार्लर चलाने की गुप्त जानकारी की सूचना पर शनिवार की रात छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान युवक व युवतियां हुक्के का सेवन कर रही थी। अचानक पुलिस नजर आने से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। तलाशी में कांच के 21 नग हुक्का पॉट, 24 नग हुक्का पीने के पाइप, प्लास्टिक फिल्टर 28 नग और विविध फ्लेवर के तंबाकू के पैकेट ऐसे कुल 30,400 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। पार्लर संचालक विकास डागोर उम्र 29 साल रामनगर और प्रबंधक अमित कंगाले उम्र 22 साल रामनगर निवासी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आपल्याला एक दी गॉडफादर कैफे हे जगत मिलेनियम अपार्टमेंट आहे कॉलेज स्क्वेअर मध्ये जीएस कॉलेजचे एकदम समोर त्या ठिकाणी तंबाखूजन्य हुक्का पार्लर सुरू आहे अशी आम्हाला माहिती मिळाली होती। या माहितीवरून आम्ही या ठिकाणी रेड केली तर दी गॉडफादर कॅफे या ठिकाणी आम्हाला काही तंबाखूजन्य फ्लेवर मिळून आले। त्याबाबत त्यांना आम्ही हुक्का पार्लर चालवण्याची परवानगी मागितली। त्याबाबत त्यांच्याकडे कुठलाही परवाना नव्हता, ना गुमास्ता होता, त्या ठिकाणी फूड सर्व्ह होत होता, फूडची पण काही लायसन्स नव्हती आणि त्याचप्रमाणे सदर जागेचा कमर्शियल ॲग्रीमेंट हा पण नव्हता। तर त्याच्याकडे कुठल्याच अशा वैध कागदाची काही त्याच्याकडे नव्हते। त्याबद्दल आम्ही त्याला विचारपूस केली, त्यांच्याकडे कुठलेच वैध कागदपत्र हुक्का पार्लर चालवण्याचे मिळून आले नाही। त्यामुळे आम्ही त्याबाबत आणि तंबाखूजन्य फ्लेवर वापरत आहे, तंबाखूजन्य फ्लेवर वापरून हुक्का पार्लर चालवत आहे असं आम्हाला मिळून आलं, त्याच्या विरुद्ध आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे उष्टे बर्डी इथे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।